एनिमल्स के अंदर डाइजेशन को हम देख रहे थे। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन कॉकरोच। कॉकरोच या लाल बेग जिसे हम कहते हैं, आप सभी इससे वाकिफ होंगे। कॉकरोच के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हम इसे कहते हैं इट इज़ ट्यूबुलर डाइजेस्टिव सिस्टम। ट्यूबुलर डाइजेस्टिव सिस्टम, ट्यूबुलर डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो इंजेशन प्रोसेस है वो इसके माउथ के थ्रू होता है, और इजेशन के लिए यानी कि रिमूवल ऑफ वेस्ट के लिए सेपरेट ऑर्गन है जिसे कहते हैं रेक्टम। तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है हमारे पास। आप इसको अपने समझने के लिए आप कुछ इस किस्म का स्ट्रक्चर समझ लें, ठीक है, जिसमें होता यह है कि स्टार्ट में माउथ रीजन है, इसके बाद बाकी इस एरिया को हम कहते हैं गट, गट कह सकते हैं हम इसे, ठीक है, और एंड पे क्या है, एंड पे रेक्टम है, और उसके बाद एनस जो लास्ट रीजन है इस गट का। तो इस तरह से ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, और इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में जहाँ हमने गट की बात की है, इस गट को हम डिवाइड कर सकते हैं इंटू थ्री पार्ट्स। पहला हिस्सा, ये शुरू का हिस्सा इसका कहलाता है फोर गट, फोर गट। दरमियान का जो हिस्सा है वो कहलाता है मिड गट, और एंड का जो हिस्सा है वो कहलाता है हाइंड गट। इस पिक्चर में अगर आप देखें तो आपको कॉकरोच का इंटरनल डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाया गया है, जिसमें यहाँ शुरू का जो रीजन है ये माउथ रीजन है, माउथ के साथ ही फेरिंग्स है, ठीक है, और फेरिंग्स के साथ ही आप आगे इसके इसोफेगस को देख सकते हैं। इसोफेगस के बाद क्रॉप, गिजर्ड, और इस तरह से करके ये पूरा इसका डाइजेस्टिव ट्रैक है। इसको अगर हम हाईलाइट करें तो ये वाला रीजन है, ये और यहाँ पे आके ये एंड हो जाता है। अच्छा, तो हमने कहा है कि हम इसके जो गट है ओवरऑल, ये जो मैंने पूरा एरिया हाईलाइट किया है, इसको हम तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ गया फोर गट। फोर गट में क्या होता है? फोर गट जो है इसमें माउथ कैविटी, फेरिंग्स, उसके बाद क्रॉप, गिजर्ड और स्लाइवरी ग्लैंड जो यहाँ पे प्रेजेंट है, ये सब का सब, ये जितना भी रीजन है ये आता है फोर गट के अंदर। माउथ कैविटी, फेरिंग्स, क्रॉप एंड गिजर्ड। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको स्लाइवरी ग्लैंड्स जो हैं वो दिखाई दे रहे होंगे, और स्लाइवरी ग्लैंड का क्या काम है? इनका काम ये होता है कि इनके अंदर से स्लाइवा सिक्रीट होता है। क्या चीज़? स्लाइवा, ठीक है। स्लाइवा जो है वो लिक्विड सब्सटेंस है जो कि स्लाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है, और इसके अंदर स्पेशल एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं। और ये स्लाइवरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट हैं? ये प्रेजेंट होते हैं थॉरेक्स रीजन में, थॉरेक्स, ठीक है। जब हम इंसेक्ट्स को पढ़ते हैं, जिस तरह के हमारे पास यहाँ पे कॉकरोच है, तो हम देखते हैं कि इनकी बॉडी को हम थ्री रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे ऊपर का रीजन जो है वो कहलाता है हेड, दरमियान में या हेड के साथ थॉरेक्स, और फिर लोअर रीजन कहलाता है एब्डोमेन। तो इसके जो थॉरेक्स रीजन है वहाँ प्रेजेंट है स्लाइवरी ग्लैंड, और इसमें से स्लाइवा सिक्रीट होता है जो कि इसोफेगस में चला जाता है, या आप कह सकते हैं कि माउथ कैविटी में बेसिकली चला जाता है और हेल्प करता है डाइजेशन में। ये हो गया फोर गट। इसके बाद हम आ जाते हैं मिड गट। मिड गट में क्या क्या है? मिड गट जो है वो एक शॉर्ट नैरो ट्यूब पर मुश्तमिल है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपको मिजेंट्रॉन दिखाई दे रहा है, मिजेंट्रॉन क्या है? ये मिड गट रीजन है, और यहाँ पे स्टमक प्रेजेंट होता है। तो ये गिजर्ड से आगे का जितना भी रीजन है ये आपको, ये मिड गट कहलाता है, और यहाँ पे मिजेंट्रॉन के साथ साथ आपको फिंगर लाइक ट्यूब्स दिखाई दे रही हैं। फिंगर लाइक ट्यूब्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं जो कि होलो होती हैं, यानी कि अंदर से खाली होती हैं, और ये कहलाती हैं हेपेटिक सीका। ये जो आपको दिखाई दे रहा है हेपेटिक सीका, ठीक है। तो ये होलो फिंगर लाइक ट्यूब्स हैं जो यहाँ प्रेजेंट होती हैं मिड गट के अंदर। और डाइजेस्टिव सिस्टम में ये वो रीजन है जहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है, इसके बाद जो होगा वो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होगा, ठीक है। तो मिड गट में हमने क्या क्या देख लिया? एक तो हमने मेसेंट्रॉन की बात की, जो कि हमने कहा यहाँ पे स्टमक प्रेजेंट है, इससे पहले हमने हेपेटिक सीका की बात की। तो ये है मिड गट। इसके बाद जो नेक्स्ट रीजन आता है, जो यहीं से आगे कॉन्टिन्यू हो जाता है, वो है हाइंड गट। अब हाइंड गट में क्या है? हाइंड गट बेसिकली एक लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब है जिसका आखिरी हिस्सा जो है वो रेक्टम कहलाता है, और रेक्टम के साथ ही आगे जो बाहर की तरफ खुलने वाला रीजन है ये कहलाता है एनस। ये वाला रीजन जो है, ठीक है, ये कहलाता है एनस, और ये वो रीजन है जहाँ से अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो बाहर की तरफ एक्सपेल आउट हो जाता है।
तो हाइंड गट के अंदर क्या क्या चीज़ें आ गई? हाइंड गट के अंदर यहाँ पे अगर आप देखें, ईलियम, कोलोन, रेक्टम और एनस, ये चारों चीज़ें जो हैं वो हाइंड गट का हिस्सा है। अच्छा, अब अगर हम कॉकरोच के अंदर इसकी फूड की बात करें, तो तमाम छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो कॉकरोच की फूड है। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिक मैटर भी इसकी फूड है। तो जब कॉकरोच ने अपनी फूड ले ली, यानी कि इंजेशन का प्रोसेस जो है वो हो गया, अपने माउथ में, माउथ तक इसकी फूड पहुंच चुकी, इसके बाद क्या क्या स्टेप्स होते हैं जिसके अंदर डाइजेशन कंप्लीट होती है, उसको हम देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप जो है, जिस तरह से अगर हम ह्यूमन बींग्स को देखें तो उनके अंदर भी प्रेजेंट है, वो ये होता है कि हम फूड को च्यू करते हैं, यानी कि हम उसे चबाते हैं। ठीक है, यानी कि हमारी फूड ने टूट के छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम हो जाना होता है। तो कॉकरोच के अंदर भी इसी तरह से होता है। कॉकरोच के माउथ के अंदर ही फूड जो है वो टूट के छोटे पार्टिकल्स में चेंज हो जाती है। तो पहला स्टेप क्या हुआ? पहला स्टेप है हमारे पास कटिंग एंड ग्राइंडिंग। ठीक है, कटिंग से हम इसको यहाँ पे शो कर देते हैं। अब ये कटिंग किस तरह से होती है ह्यूमन बींग्स के अंदर, तो हम जानते हैं, हमारे दांत होते हैं जिनकी मदद से हम खाने को चबा लेते हैं। कॉकरोच की जब हम बात करते हैं, कॉकरोच के अंदर भी टीथ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम कहते हैं मैंडिबल्स। मैंडिबल तो इनकी मदद से फूड जो है वो टूटता है और छोटे छोटे पार्टिकल्स में चेंज हो जाता है। और जो नेक्स्ट स्टेप है, पहला काम तो ये है कि फूड टूट गया। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो ये होता है कि फूड जो है वो मिक्स होता है विद स्लाइवा। और स्लाइवा हमने कहा था यहाँ स्लाइवरी ग्लैंड में प्रोड्यूस होता है। तो सेकेंड स्टेप क्या हो गया? मिक्सिंग का, मिक्सिंग विद स्लाइवा। इसके बाद थर्ड स्टेप क्या होगा? अच्छा, मिक्सिंग विद स्लाइवा, स्लाइवा के अंदर हमने कहा था कि कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और वो एंजाइम्स डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं। अब जो जो थर्ड स्टेप है ये इसी से रिलेटेड है, वो किस तरह से कि स्लाइवा के अंदर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि स्टार्च को माउथ के अंदर ही डाइजेस्ट कर देते हैं। तो थर्ड स्टेप है हमारा एंजाइम्स का, जो कि डाइजेस्ट कर रहे हैं स्टार्च को। अच्छा, अब एंजाइम्स जो हैं वो स्टार्च को डाइजेस्ट कर लें। इसके अलावा हमने देखा कि फूड जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में चेंज होगी और वो मिक्स भी होगी स्लाइवा के साथ। अब ये जो पार्टली डाइजेस्टेड, यानी कि वो फूड जिसमें से कुछ हिस्सा जो है वो डाइजेस्ट हो चुका है, वो इस एरिया से गुजर के अब वो आगे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, और वो कहाँ आएगा? वो पहुँच जाएगा इस रीजन में, क्रॉप रीजन में। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि सैक लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आके ये इकट्ठा हो जाएगा। और जब फूड यहाँ पे आके इकट्ठी हो जाएगी तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि फूड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता, यानी कि चंक बाय चंक, क्रॉप से गुजर के, गिजर्ड से गुजर के आगे जाएगी। ठीक है, और ये जो गिजर्ड है, गिजर्ड के अंदर क्या होगा? गिजर्ड के अंदर बेसिकली फूड जो है वो मज़ीद छोटे पार्टिकल्स में चेंज होती है। ठीक है, यानी कि मज़ीद यहाँ पर ग्राइंडिंग होती है फूड की, और ग्राइंडिंग के बाद फूड जो है वो मिड गट तक पहुँच जाती है। तो यहाँ पे हम अगर इनके स्टेप्स जहाँ मेंशन करें, तो फोर्थ स्टेप हमारे पास क्या होगा? फोर्थ स्टेप है हमारा कलेक्शन एट क्रॉप, और उसके बाद फिफ्थ स्टेप है ग्राइंडिंग इन गिजर्ड। गिजर्ड में फूड मजीद जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में चेंज हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा? वो मिड गट की तरफ चला जाएगा। अब मिड गट में जब फूड आ जाती है तो फिर क्या होता है? यहाँ पे कुछ स्पेशल एंजाइम्स रिलीज होते हैं, और वो एंजाइम्स क्या करते हैं कि जो बाकी की फूड बच गई थी, यहाँ पे हमने देखा कि फूड के अंदर से स्टार्च ऑलरेडी डाइजेस्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो अब जो बाकी मटेरियल है, जो बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं फूड के, वो यहाँ पे आके डाइजेस्ट हो जाते हैं, और डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है मिड गट के अंदर। तो सिक्स स्टेप हमारा जो कि मिड गट में हो रहा है वो क्या है? वो है एंजाइम्स का एक्शन, जो कि फूड को कम्प्लीटली डाइजेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे आके डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या है? इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये जो हाइंड गट का रीजन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे हमने कहा कि एब्जॉर्प्शन फेज होता है, यानी कि जो फूड डाइजेस्ट हो चुकी है अब वो एब्जॉर्ब होगी, और एब्जॉर्प्शन के साथ ही जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वो इजेशन, यानी कि अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो बॉडी से बाहर जाती है। तो उसके लिए यहाँ पे स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो कहलाते हैं रेक्टम एंड एनस। तो फूड जो अनडाइजेस्टेड फूड है या फिर वेस्ट मटेरियल है, वो रेक्टम से होते हुए एनस से बॉडी से बाहर एक्सपेल आउट हो जाएंगे। तो ये है एक ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि कॉकरोच के अंदर प्रेजेंट होता है। अच्छा, इसका एडवांटेज क्या है? हमने देखा कि यहाँ पे काफ़ी सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट थे,
अभी तक हम जिन एनिमल्स को पढ़ते आए हैं वो रिलेटिवली सिंपलर एनिमल्स थे और उनके अंदर इतने ज़्यादा ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं थे, लेकिन कॉकरोच के अंदर हम देख रहे हैं कि हर काम के लिए सेपरेट ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। तो इसका क्या एडवांटेज है, फ़ायदा क्या है इसका? पहला फ़ायदा ये कि हर काम जो है वो सेपरेट ऑर्गन में हो रहा है, ठीक है। हमने देखा कि ट्यूबुलर डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसमें माउथ जो है वो यूज़ हो रहा है इंजेशन के लिए, यानी कि फूड को बॉडी के अंदर लेके जाने के लिए। इसी तरह हमने ऑर्गन देखा एनस, जो कि यूज़ हो रहा है इजेशन के लिए, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट्स और अनडाइजेस्टेड मटेरियल को बॉडी से बाहर लेके जाने के लिए। और एनस के साथ ही यहाँ पे जो स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं क्लोइकल अपर्चर, ठीक है। कुछ इसी से मिलते जुलते अपर्चर जो है वो ह्यूमन बींग्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। तो एनस के अंदर क्लोकर अपर्चर प्रेजेंट है और इसकी मदद से फूड जो है या अनडाइजेस्टेड फूड या वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर जाते हैं, ठीक है। तो इसका फ़ायदा हम ये देख रहे हैं और इसकी वजह से होता है क्या है, होता ये है कि ये ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है, यानी कि इट इज़ मोर एफिशिएंट देन सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। और सैक लाइक में हमने देखा था कि इन दोनों प्रोसेसेस यानी इन दोनों स्टेप्स के लिए सेम ऑर्गन्स यूज़ होते हैं। अच्छा, तो ये एक इसका फ़ायदा। और दूसरा फ़ायदा इसका क्या है, दूसरा फ़ायदा ये है कि जब हमारे पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं तो ना सिर्फ डाइजेशन अच्छी तरह से होती है बल्कि एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड भी ज़्यादा एफिशिएंट हो जाती है। तो ये हमने देख लिया एडवांटेजेस। आज के लेक्चर को हम समराइज़ कर लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने डाइजेशन देखी कॉकरोच के अंदर और कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम को, पहले हमने उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को देख लिया और उसके बाद फिर हमने इसका फंक्शन देखा, यानी कि किस तरह से डाइजेशन कंटिन्यू होती है। इसके 5-6 स्टेप्स हमने देखे। फर्स्ट स्टेप था कटिंग का, यानी कि फूड जब बॉडी के अंदर चली जाती है तो मैंडिबल्स यानी कि टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं उनकी मदद से फूड टूटती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में चेंज हो जाती है। ये पार्टिकल्स जो है वो मिक्स होते हैं स्लाइवा के साथ, स्लाइवा के अंदर कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फूड के अंदर से स्टार्च को डाइजेस्ट करते हैं। उसके बाद फूड जो है वो क्रॉप के अंदर आ जाती है, क्रॉप से फिर वो होती हुई गिजर्ड में आती है और गिजर्ड में जो है वो फूड मज़ीद ग्राइंड होती है, यानी कि और छोटे पीसेज में चेंज हो जाती है। और इसके बाद जब फूड मिड गट रीजन में आती है तो मिड गट में फूड जो है वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाती है और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो रेक्टम और एनस के थ्रू बॉडी से बाहर चले जाती है। तो ये था डाइजेशन इन कॉकरोच।